आज मोमबत्ती अमावस्या, जिसमें अमावस्या का मुख्य आज का जो दिन कहा गया है, इसी समय कहा गया है कि जो महाभारत काल था उस समय गीता जी का जो ज्ञान हुआ था, गीता जी का ज्ञान इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और इसी दिन जो है नव वर्ष की शुरुआत भी हुई थी ऐसा कहा जाता है। इसी दिन नव वर्ष की शुरुआत भी कहा गया था कि नया साल चालू हुआ है, और उसके पश्चात आज ही के दिन पीपल की जड़ों में भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन होता है, और भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, तथा शाम के समय है पीपल के जड़ में दीपक लगाने से कर्ज की मुक्ति होती है, और सभी दोषों को, कुंडलियों के दोषों को निवारण हेतु इस भौमती अमावस्या का जो है व्रत भी किया जाता है, और कहा जाता है कि इसी अमावस्या के दिन अनेक कार्य करने से इसका अत्यंत लाभ होता है, और यहाँ पर अमावस्या का स्नान भी किया जाता है जिससे पापों की मुक्ति होती है। अनेक देविक नदियों में स्नान करने, गंगा स्नान आदि स्नान करने से, जो क्षेत्रीय नदी है उनमें स्नान करने से, अब जो भी किए गए पाप है कर्म, उनका पाप कर्मों का नाश करने के लिए इसका व्रत किया जाता है, तथा इस उपलक्ष्य में सभी को यह करना चाहिए कि रात्रि के समय पीपल के जड़ों में दीपक लगावे, और भगवान विष्णु लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा समृद्धि बनी रहे। और आज के दिन कहा गया है कि आवश्यक करके कलह से बचना चाहिए, क्योंकि जो आज के दिन अपने घरों में कलह आदि करता है तो उसमें दारिद्रता का वास होता है, इसलिए आज के दिन कलह से बचे। और मुख्य महत्व इसका कहा गया है कि कर्ज मुक्ति के लिए भौमती अमावस्या को कुछ उपाय कहे गए, उन उपायों को करना चाहिए, जिसमें से एक उपाय तो हम बता चुके हैं कि पीपल के पेड़ों में दीप जलाना चाहिए, और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे घर घर की दारिद्रता आदि दूर रखें।